जहां पार्लियामेंट के पार्लियामेंट बिकते हों, वहां फिर और बाकी क्या चीज बाकी रह जाती है। इलेक्शन चाहे ट्रक यूनियन का हो चाहे सेनेट का हो, इलेक्शन इलेक्शन होता है। पैसे वैसे का धंधा मत कर। हाँ, अगर चावल का एक किलो दो किलो अगर किसी ने दिया तो परवाह नहीं है कि सब्जी मंडी अजहरगंजी में सब्जी की खरीद फरोख्त हुई है। ये इलेक्शन होता है गिव एंड टेक वाला। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा है। इन सेशन के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। नाजरीन, लगता कुछ ऐसे है कि ये शेर आज के बाद पीपल्स पार्टी पे सही सादर साबित आएगा और ये मियां नवाज शरीफ की जो नसीहत उन्होंने एक शेर के जरिए इसका इजहार किया, आज पीपल्स पार्टी बखूबी समझ गई होगी। हम बात करें सेनेट के इलेक्शन की और ये वही सेनेट के इलेक्शन थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जो सेनेट के इलेक्शन होंगे बर वक्त नहीं हो सकते, उससे पहले कोई तब्दीली का इम्कान है। लेकिन पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी जो बारह अपने चार साल दौरे हुकूमत में बार बार कहते थे कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है और प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते थे कि इन इलेक्शन के बारे में उनका कुछ अर्सा पहले यही कहना था कि इनको इस दरिया को बूर करने के लिए, इस आग के दरिया को बूर करने के लिए बड़े बड़े इनकी हुकूमत ने जतन किए। लेकिन नाजरीन, आज के दिन हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की तो पाकिस्तान के आवाम को ये इलेक्शंस बड़े दिलचस्प और हैरान को नजर आए होंगे क्योंकि आज से एक हफ्ता पहले उन्हें शायद वहीदा शाह के कुछ थप्पड़ घूंसों और मुक्कों के इलेक्शंस भी याद आ जाएंगे जो इन्होंने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे जिस तरीके से बरसाए। और आज के जो इलेक्शन, जो सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें एक बार फिर वोट नहीं नोट जो है उसका चमत्कार हुआ। हम बात करें सेनेट के इलेक्शन की और देखना यह है कि हमारे जो कैंडिडेट्स थे और जो जिन लोगों ने जो असेंबलीज के अरकान हैं उन्होंने ये वोट भी डाले, उनके नज़दीक भी शायद बिजली गैस और महंगाई क्योंकि दिन ब दिन पाकिस्तान में इतनी हो गई है तो उनका रेट भी खासा ऊपर चला गया। बात हो रही है सेनेट के इलेक्शंस और करोड़ों रुपए में एक एक वोट जो है सेनेट का इलेक्शन का वो खरीदा गया। सबसे हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान के आवाम को ये बताया जा रहा है कि उनकी लीडरशिप वोट के जरिए तो शायद मुंतखब होती है लेकिन टॉस के जरिए भी मुंतखब हो सकती है और इम्पोर्ट भी की जा सकती है। और बालादस्ती का जो हम दिन रात ये सुनते रहते हैं लेक्चर अपने सियासतदानों से तो कभी हमारे ये सियासतदान बालादस्ती इन पर सादर साबित आती, किसी शेरवानी वाले के जरिए कभी मुखमुका कर लेते हैं और कभी किसी वर्दी वाले के साथ भी मुखमुका हो जाता है। हमने आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से जिक्र करें कि जो क़यादत नोट और टॉस के जरिए मुंतखब होती है तो क्या वो आवाम के हकीकी मसाइल को हल कर सकती है या नहीं, और पाकिस्तान के असल आवाम के जो इश्यूज हैं उन पर कौन कब किस तरीके से नजर डालेगा। बड़े घरों में तो पैसे जो थे वो आज बांटे गए और वोट खरीदे भी गए। बात हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग और सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। सेनेट इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं और खबरें इतलात जो हमने देखी दिन भर तजिए तबसरे भी सुने, हॉर्स ट्रेडिंग लोटा करेंसी अरूज पे थी और कुछ रेट्स का आपको बताते चलें। बलोचिस्तान में 3 करोड़ जो है का रेट था, खैबर पख्तूनख्वा से 1 से 2.5 करोड़ रुपए पे वोट जो है फरोख्त किया गया और पाटा से 3 करोड़ 75 लाख रुपए का जो है रेट सामने आया वोट्स के लिए। ये हम बात करें सेनेट की इलेक्शंस की, अपर हाउस की बात करें जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है, कौमी असम्बली से अगर कोई बिल जाएगा और कानून साजी करती है तो पाकिस्तान का बालादस्त इदारा सेनेट की, जिसमें आज हॉर्स ट्रेडिंग और लोटा करेंसी हमने आज देखा कि कितने कितने बड़े बड़े रेट्स लगाए। गुफ्तगू का आगाज करेंगे अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे। वीडियो लिंक पे हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगी महरीन अनवर राजा साहब, रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन साहब का ताल्लुक है। हारून रशीद साहब से हम बात करेंगे, सीनियर सहाफी तजियाकार है, रोजनामा जंग के लिए कॉलम लिखते हैं, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। हिना गुलजार हमें ज्वाइन करेंगी,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने इनको टिकट दिया था और दो दिन पहले इनसे बगैर बताए इनको इनकी जगह एक नए उम्मीदवार को खड़ा कर दिया गया। अकलियती उम्मीदवार थी डॉक्टर रमेश कुमार, जिनको सिंध से लाया गया, दो दिन पहले पीपल्स पार्टी में शामिल किया गया और इनका टिकट कुछ अर्सा पहले, दो दिन पहले उनको दे दिया गया। मेरीन साहिबा, आपसे बात करने से पहले जरा हिना की हम कहानी सुन लें, क्योंकि ये खासी नाला दिखाई दी। हिना, आप मुख्तसरन बताइए आपके साथ हुआ क्या? लगता है हमारा रब्ता मुनकता हो गया। मेरीन अनवर राजा साहब, हम उनसे भी बात करेंगे। हिना से आज के सेनेट के इलेक्शंस के बारे में हमें बताइए, बाला दस्तेदारा पाकिस्तान का और जो पैसे लगाए गए, इसकी क्या कहानी है? क्या सेनेट इलेक्शन में वोट खरीदने के लिए नोट देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज तो पहले मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स को कि सेनेट के इलेक्शन अपने वक्त पर मुकम्मल हुए, जमहूरियत की कामयाबी है। और मैं आप मीडिया वालों को भी, जिन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की थी कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे, सेनेट के इलेक्शन डिले हो गए, तो ये भी बताती चलूँ कि सेनेट के इलेक्शन भी हो गए, मेजॉरिटी भी आ गई और अब इलेक्शन भी अपने टाइम पर होंगे। देखिए, जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि जी नोटों की ज़रूरत है या वोटों की ज़रूरत है, जी वोटों की तो ज़रूरत है, मगर ये कह देना कि जी पैसे चले हैं, ये तो इल्ज़ामात है ना जी। ना आपने कोई चीज़ देखी है, आप भी इस्लामाबाद में बैठी रही हैं। बिल्कुल, मैं आपने सुनी सुनाई खबरों पे आसमां सुनी सुनाई नहीं, ये रिपोर्ट हुई है मेरी नंबर राजा साहब, ये खबरें आई हैं, रिपोर्ट हुई है, रेट बकायदा फाटा के अराकीन के लिए पूल बना दिए गए। नहीं, पैसे मैंने हमारे पास बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो आके आपको खुद बताएंगे कि पैसे हमने खरीदे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आसमा, मैं आज खुद लाहौर में रही हूँ और अपनी पार्टी के साथ वहाँ पे हमारे दूसरे भी मेंबर्स आए हुए थे और मुस्लिम लीग नून के भी मेंबर्स थे, काफ के भी मेंबर्स थे, तो मैंने तो ऐसी कोई खरीदो फरोख्त नहीं देखी, गो के कुछ ऐसे मामलात थे जिनको नहीं होना चाहिए था। एक मेंबर को कहा गया कि अपना वोट मुस्लिम लीग नून ने कि आप दिखा के डालें, जिसकी वजह से वो नाला हुए, ये नहीं होना चाहिए, अपने मेंबरान पे यकीन भी होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस तरह के मामलात जो हैं वाकई नहीं होना चाहिए, मगर आज जो इलेक्शन में कामयाबी हुई, मुस्लिम लीग नवाज़ के भी मेंबर्स आ गए हैं, पीपल्स पार्टी के भी आ गए हैं, दूसरे मेंबरान भी आ गए हैं, और अगर आप समझती हैं या किसी ने कुछ लिया दिया है, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि हम मुल्क की तकदीर का फैसला कर रहे होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फैसले ले रहे होते हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह के किसी भी घिनौने काम में मुलव्वस नहीं है। काम में आप कह रही हैं कि बिल्कुल मुलव्वस नहीं रहे, ठीक, करप्शन बिल्कुल आप कह रही हैं कि आप पैसे की करप्शन नहीं, वोट एक मुकद्दस अमानत होती है और इस मुकद्दस अमानत को इसका रेट लगाया गया बकायदा 2-2 करोड़ रुपए बलोचिस्तान की असेंबली, क्योंकि वहां का एक वोट ही काउंट होगा, तो वहां पे तो 65 करोड़ तक का रेट गया, तो फिर ये क्या कहानी है? ये कोई कहानी है या फिर आप कह रही हैं इन खबरों में सदाकत नहीं है? ये तो चीजें रिपोर्ट हुई हैं, सबके सामने आई हैं। देखिए, सामने भी सबके आई हैं और किसी ने ना किसी को लेते हुए देखा है ना। अगर और मज़ीद इस पे प्रोब करें, देखें, अगर किसी ने लिया है तो बड़ी बुरी बात है, गलत बात है, अफसोसनाक बात है। जो लोग खरीद के सेनेटर्स बनते हैं या एमएनएस बनते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, मैं कहूँगी, और ना तो वो कौम के नुमाइंदे हैं, वो तो मेरे ख्याल में फिर बाजार में बैठे हुए लोग हैं, मगर इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए, सभी दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, मैं इसको कंडेम करती हूँ, मगर मेरे सामने इस तरह की कोई बात अभी नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं, मैं डेवलपमेंट फंड के हवाले से, अगर डेवलपमेंट फंड वो तो इलेक्शन के दौरान तो दिए गए ना, डेवलपमेंट फंड भी दिए गए और पैसे भी दिए गए। मैं जरा हारून साहब से जरा तज्जिया उनका ले लूं। हारून साहब, आपको डिस्कशन में वेलकम भी कहते हैं, जरा ये बताइए, मेरीन अनवर राजा साहब मुजम्मत भी कर रही हैं इसकी के अगर ऐसे पैसे दिए गए और वो कह रही हैं कि आपके सामने तो नहीं दिए गए, ऐसे बांटे भी नहीं गए, तो ये आपने भी तो कहानियां सुनी होंगी, खबरें हैं, सदाकत है इनमें कि जो सेनेट के इलेक्शन में वोट के साथ साथ नोट बांटा गया, ये क्या कहानी है इसकी सर? देखिए, अगर तो आप कहेंगे क्या मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस है जो अदालत में साबित कर दे कि फलां आदमी ने फलां को पैसे दिए हैं, तो नहीं है, ऐसी कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर रिलायबल सोर्सेज की बात हो तो सोर्सेज ये कह रहे हैं, आपने तो 3 करोड़ कहा कि फाटा में 13 करोड़ रुपए तक दिए गए हैं, 65 करोड़ उसके लिए जारी हुए हैं तरक्याती मंसूबों के लिए, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पैसे दिए गए हैं।
अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड करप्शन का है, नून लीग का भी, पीपल्स पार्टी का भी, काफ लीग का भी, और अवाम जो गैलप का वाहिद सर्वे इस मौजू पर है वो बताता है कि तीनों पार्टियों को लोग एक जैसा करप्ट समझते हैं, बहुत चंद पॉइंट्स का फ़र्क है। और जायदादें इनके लीडरों के मुल्क से बाहर हैं, सबको मालूम है, उसकी तफसीलात मौजूद हैं, उसकी फहरिस्तें मौजूद हैं, उनकी कीमतें हमें मालूम हैं, जरदारी साहब की भी है, नवाज शरीफ साहब की भी हैं और लोगों की भी हैं, और ये भी हम जानते हैं कैपिटल फ्लाइट हो रही है, ये भी हम जानते हैं कि सरकारी अदारों में करप्शन हुई है, करप्शन ना हो तो रेलवे का, पीआई का, वापडा का, स्टील मिल का ये हाल ना होता। ये भी हम जानते हैं कि दो महीने पहले मुत्तफ़ा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे स्टील मिल के लिए एक चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया था, मगर उसे जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। तो इसलिए शुबा तो मौजूद है, अब बाकी है तहकीक का मसला, जो जो सब्सटेंशिएट करना है, साबित करना है, तो उसके लिए शवाहद और दलायल चाहिए। लेकिन जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और जो रिलायबल सोर्सेज कह रहे हैं वो तो यही है कि करप्शन तो हुई है, लेकिन ये इसको आप जमहूरियत की फतह करार देते हैं। आखिरी टाइम पे उम्मीदवारान बदले गए, कहीं मुश्तरका उम्मीदवार लाया गया तो 2.5-3 करोड़ का रेट था, वो 1 करोड़ पे आ गया, तो ये फिर इसको जमहूरियत की फतह कहेंगे, बालादस्ती कहेंगे, जमहूरियत की, पार्लियामेंट की बालादस्ती इसको कहेंगे आप क्या? देखिए, जमहूरियत तो ये है कि लोगों के मसाइल हल किए जाएं, लोगों की मुंतखब हुकूमत हो। अगर तो आप पूछेंगे क्या ये एक मुंतखब हुकूमत है, तो जी हाँ ये एक मुंतखब हुकूमत है। अगर आप ये पूछेंगे क्या ये लोगों की, ये फौजी हुकूमत तो नहीं है जाहिर है, अगर आप ये पूछेंगे क्या लोगों के मसले हल किए इन्होंने, तो इन्होंने हल नहीं किए, इन्होंने पैदा किए हैं। इन्होंने बिजली की पैदावार नहीं बढ़ाई है, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं किया है, क्राइम रेट बढ़ा है, खुद पंजाब में 25% क्राइम रेट इसके बावजूद बढ़ा है कि बेशतर जराइम रिपोर्ट ही नहीं होते। क्या इन्होंने कर्जे लिए हैं, ये 3 अरब के रोजाना नोट भी छापते रहे हैं और कर्जे भी दुगने हो गए हैं जितने 60 साल में लिए गए। क्या इन्होंने टैक्स कलेक्शन बेहतर की है, आपको मालूम है नहीं की है। क्या इन्होंने मेरिट पर तकर्रियाँ की हैं, नहीं की हैं। जमहूरियत किस लिए? जमहूरियत तो है, इलेक्टेड हुकूमत है, इसमें कोई शुबा नहीं, और इलेक्टेड ही होनी चाहिए। फौज का ये हक नहीं है कि वो दुनिया में पे हुकूमत करे, लोहे का हक नहीं है कि इंसानों पे हुकूमत करे। लेकिन सवाल ये है कि माशरा अपनी अखलाकियात पे आगे बढ़ता है, क्या कोई अखलाकियात है? बरतानिया में सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, सिर्फ इलेक्शन होने शुरू नहीं हो गए थे, बल्कि एक अखलाकी तहरीक उठी थी और दरबार से उठी थी, और उसके नतीजे में बरतानवी कौम की जो हालात है वो बदलने लगे। एक बहुत अदब से छोटा सा ज़िमनी पॉइंट है भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है इंटेंशनली नहीं कहा मेहरीन अनवर राजा साहिबा ने, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कौम की तकदीर बदलने का, तो मैं बड़ा मुअद्दबाना अर्ज करता हूँ, तकदीर खुदा बनाता है और खुदा बदलता है, मुबालगे की कोई आखिरी हद होनी चाहिए। ठीक, मुबालगे की आखिरी हद होनी चाहिए, हारून और रशीद साहब कह रहे हैं। और ब्रेक यहाँ पे हम लेंगे बात, और ये सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, कहीं पे नोट बांटे गए, कहीं पे वोट जो है तकसीम हुए, और कुछ तो कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको अगर वोट किया गया, जो हम बात करें नून लीग के एक रुकन की, यासीन सोहल की, और उन्होंने अपना वोट पर्ची जो है वो अपने जो सरबराह हैं उनको नहीं दिखाया पंजाब में, तो जिसकी बुनियाद पर उनको कहा गया कि आप किसी और को वोट कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था कि किसी और को वोट करेंगे। तो इसी पे हम मजीद बात करेंगे कि ये सेनेट के इलेक्शन से यहाँ पे बालादस्ती का जिक्र होता है, वोट का जिक्र होता है, वोट के इस्तेहकाक किस तरीके से मजरू हुआ, इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वोट के साथ साथ नोट दिया गया और उसके साथ उसके बदले में वोट जो है उसको खरीदा गया। मेरीन अनवर राजा साहब से मैं पूछूंगी, मेरीन साहब लाहौर में क्या हुआ, आपने सारा दिन वहां पे आज गुजारा, इलेक्शंस को आपने देखा भी, मॉनिटर भी किया, ये जो आपके गिल साहब थे आपकी पार्टी से, उन्होंने क़यादत का शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन साथ साथ गिला भी कर दिया कि उनके साथ गद्दारी की गई, उनको वोट नहीं दिए गए और वोट जो है दूसरी जानिब जाके पड़ा। देखिए आसमा, पहले तो मुझे एक तरह से खुशी भी हुई कि हमारे जो ऑनरेबल भी मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि वाकई कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है, मगर रिलायबल सोर्सेज, तो रिलायबल सोर्सेज कौन से होते हैं, तो बात को बिल्कुल टोटली शिफ्ट करके कि करप्शन हुआ, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये एक अलग बहस है जो रोज़ होती रहती है। आज की बहस ये है कि सेनेट का इलेक्शन रोका जा रहा था, हर तरीके से रोका गया, मगर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में, लीडरशिप में और विजन में वो हो गया। सेकंड टाइम जमहूरी दौर में सेनेट कंप्लीट हो गया, और आज अगर पैसे के लेन देन की बात करते हैं
तो हमारे एक मेंबर जनाब बाबर रवान साहब जीत गए और असलम गिल साहब जो है वो ना जीत सके, तो क्या फिर अगर पैसे का लेन देन होता तो फिर ये पैसे का लेन देन करके हम जीत ना जाते? ठीक है, आप कह रहे हैं कि लेन देन नहीं किया, लेकिन गद्दारी कहाँ से हुई? गिल साहब खुद से गिला कर रहे हैं कि गद्दारी की गई, पार्टी के लोगों ने उनको वोट नहीं किया। देखिए, पार्टी के लोगों ने वोट नहीं दिया या पार्टी के लोगों या गद्दारी किसी ने की है तो इस पर तो प्रोब किया जाएगा, मामलात क्या है वो देखे जाएंगे। मगर जो खुशाइन बात यह है कि फेयर फ्री इलेक्शन हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबरान हैं वो इलेक्ट हुए हैं और उन्होंने वोट लिए हैं, खुले वोट हुए हैं। मैं खुद भी वहां पर मौजूद रही हूँ, कोई ऐसी चीज मैंने नहीं देखी सिवाय एक मेंबर के, सोहल साहब के, जिनको कहा दिखा के वोट डाले। तो बिल्कुल हाँ, उन्होंने कहा कि वो करप्शन का आंसर है, ये नहीं होना चाहिए। पैसा लेन देन ही करप्शन नहीं है, ये भी करप्शन है कि आप दिखाएं, अगर आप ये भी करप्शन है, बिल्कुल दिखाएं, वो ये भी एक करप्शन है, वो दिखा सकते हैं ना। गुलजार से मैं पूछ लेती हूँ दोबारा, हमें हमारे साथ लाइन पे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही इनको सेनेट का अकलियती टिकट जो है दिया गया था, लेकिन दो दिन पहले रमेश कुमार साहब को ये जो है टिकट दे दिया गया। हिना, आप अपनी कहानी खुद सुनाएं कि क्या हुआ, कहाँ पैसा लगा आपसे, टिकट आपके सामने था, आपको टिकट पेश किया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ? हमारे सामने भी है कि आपको ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा सर्टिफिकेट के तौर पे जो टिकट दिया गया था ये आपका टिकट था, तो ये फिर एंड टाइम पे अचानक आपके साथ ऐसा क्या हो गया? आसमा, मैं तो खुद इसी चीज के लिए मैं बड़ी परेशान हूँ कि ये सब एकदम से कैसा हो गया कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे टिकट देता है, उसके बाद मेरे जब डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं उस पे हमारे पीपल्स पार्टी के अपने एमपीएस के सेकेंडरी और वो होते हैं प्रपोजल होते हैं ये लोग, तो उसके बाद जमा करवाए जाते हैं, सारा एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद पार्टी आपको टिकट देती है, टिकट के बाद आप उसको सबमिट करवाते हैं, सब कुछ होता है। तो मैं इस चीज पे बड़ी परेशान हूँ कि एक बंदा जो इंडिपेंडेंट खड़ा है और वो शाम के, हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, जी बोलिए आप जी, वो शाम में पार्टी में शमूलियत करता है और शमूलियत करने के बाद उसको ये फौरन जो है मीडिया में ये बात आ जाती है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकलती नशेस्त पर हम डॉक्टर रमेश कुमार को ले आए हैं, तो ये कैसे आ सकता तो क्या है? पैसा लगा, पैसा लगा टिकट में, क्या हुआ? आपको तो टिकट मिला था, सर्टिफिकेट भी मौजूद है टिकट की सूरत में जो दिया गया, तो क्या हुआ कि जो दूसरे जो राजा परवेज अशरफ की स्टैंप इस पे लगी है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो ऐसा क्या हुआ कि जो नए कैंडिडेट लाए गए उनको पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत भी कराई गई और साथ में आपका टिकट उधर ट्रांसफर कर दिया गया? मैं इसके बारे में तो मुझे यही तो मैं सवाल लेकर ही मीडिया में आई हूँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि हम तो वर्कर्स हैं जो पार्टी से सालों साल पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, बीबी शहीद साहिबा के नाम के साथ और जुल्फिकार भुट्टो शहीद के नाम को लेकर हम दिन रात इसी अजम के साथ चल रहे हैं कि हमारी बीबी शहीद ने हमारी खातिर, इस पार्टी के खातिर, इस कौम की खातिर अपनी जान कुर्बान की है। मैं जरा महरीन साहिबा से सवाल कर लूं। महरीन साहिबा, आप सुन रही हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी अपनी कैंडिडेट थी आपकी पीपल्स पार्टी की, तो ऐसा क्या हुआ अगर ये बता दें? वर्कर्स को, एक वर्कर लाहौर में रो रहा, उसके साथ गद्दारी हो गई, इलेक्शन का टिकट उसको दे के उसको हरवा दिया गया, दूसरा वर्कर क्वेटा में रो रहा है कि उसका टिकट जो है दूसरे को दे दिया गया, तो ये आपके वर्कर्स रो रहे हैं, ये फिर ऐसा क्या हुआ? क्या यहाँ पे भी पैसा लगा? एक मिनट, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं महरीन साहिबा से पूरे पूरे तरीके से जवाब ले लीजिएगा। हमारे साथ ही हमारी पार्टी की खातून है वो जो कि खवातीन रिजर्व सीट के लिए वो कंटेस्ट कर रही थी, उनका नाम है परवीन मैंगल साहिबा, ठीक है। अभी अभी मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो भी जो है इलेक्शन हार कर और रोते हुए असेंबली से बाहर निकल कर आई हैं और मीडिया से उन्होंने भी गुफ्तगू की जी, है। महरीन साहिबा, मैं एक पार्टी की वर्कर, उनके साथ भी सेम ऐसा, बिल्कुल ऐसा क्या हुआ? वर्कर्स के साथ क्या हुआ कि ये रहनुमाओं की पार्टी रह गई? आपको वोट मिलेगा जी, महरीन साहिबा से मैं जवाब ले लूं जरा, ठीक है, उनको वो वोट जी महरीन साहिबा जवाब देंगे, आप पार्टी में नहीं लेकर आ सकते हैं, मैं ये बोलना बंद करें ना, तो आपको टिकट्स नहीं देना चाहिए, ठीक है जी, जवाब देंगे जी जी, ये बोलना बंद करें ना। तो फिर देखिए, बात यह है कि आसमा आपने बड़ी कोशिश की कि ये किसी तरह कह दें कि कोई पैसे का लेन देन हुआ है, तो वो तो इन्होंने नहीं कहा कि नहीं, मैंने कोशिश नहीं की, मैं तो उनसे मैंने कहा कि आप सुनाएं कहानी क्या हुई। काफी की है,
मगर वो शुरू प्रोग्राम मेरी कोशिश से क्या होगा, सेनेट के इलेक्शन हो गए, कैंडिडेट जीत के आ गए, मेरी कोशिश से कुछ नहीं होना। आज आपकी कोशिश, आज आपकी कोशिश नाकाम हो गई, सेनेट के इलेक्शन भी हो गए। पार्टी का देखिए, पार्टी टिकट देती है जिसको मुनासिब समझती है, ये अपना एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराएं। मैं इनकी बात जो इन्होंने कही है, मैं उसका जो है वो समझती हूँ, मगर ये कहना कि इसमें कोई धांधली हुई है, किसी ने पैसे दे के पार्टी से टिकट ले ली, ये मुनासिब नहीं है। देखिए MPAs ने वोट डालना है, और अगर पैसे लगाए, अगर पैसे लगाए जाए तो फिर पैसे दे के हम जितवा भी तो सकते हैं ना। ये सेनेट हम हजार बार कुर्बान करें अपनी अपनी बीबी शहीद के लिए, अपनी पार्टी के लिए, आप कह रही पार्टी इंसाफ चाहते हैं। हारून साहब बिल्कुल है ना, आप हमारे साथ रहेंगी लाइन पे। मैं हारून साहब से पूछ लूँ, वो सब जान रही, मैं हारून साहब से सवाल कर लूँ। हारून साहब, वो मेरीन साहब कह रही है आपने बड़ी कोशिश की पैसे बांटे गए, कोई सबूत मिल जाए, और ये फिर ऐसा क्या होता है, ये ऐसा क्या हुआ? पार्टी के वफादार हैं, पार्टी के लोग हैं, उनका फर्ज है कि जो पार्टी कहती है उसको, पार्टी की लीडरशिप जो कहती है उसको दुरुस्त साबित करें, और जो भी उससे इख्तलाफ करे उसे कबूल न करें। गुजारिश ये है कि अलमिया ही एक है, सियासी जमातें ये हैं ही नहीं। जो ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी है उसका तरीकाकार ये होता है कि कोई पार्लियामानी बोर्ड होगा वो टिकट देगा, और जो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के टिकट हैं वो इलाके में, जिले में, तहसील में वर्करों से पूछ के दिए जाएंगे। डेलीगेट्स बनाए जाते हैं सारी दुनिया में, नुमाइंदे होते हैं, वो वोट डालते हैं अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, जहां इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है वहां। यहां पीपल्स पार्टी है, मिल्कियत जाती है असम्बली जरदारी की, नून लीग है नवाज शरीफ साहब की, फजलुरहमान साहब की है जमीयत उलमा इस्लाम, बाचा खानदान की है ANP, अल्ताफ हुसैन की है वो अपना MQM। मसला ही ये है, पार्टियों की तश्कील जमहूरी नहीं है, जमहूरियत से तो कोई इख्तलाफ नहीं करता। बाद जी वो इमरान खान की है, जो बनाई उसी ने है, चलाई उसी ने है, वही उसका लीडर है और वही फैसले करता है। गुजारे ये है कि पार्टियों की जो और तहरीक इंसाफ को जो प्रॉब्लम दरपेश है, वो दरपेश ही इसीलिए है कि उसकी तश्कील भी जमहूरी नहीं है। अगर होती तश्कील जमहूरी होती तो अब तक वो अपना मकसद हासिल कर चुके होते। भाई पार्टियों की जमहूरी तश्कील करें, सिर्फ इलेक्शन तो ठीक है, इलेक्शन होना चाहिए, फौज का हक तो नहीं है मुल्क पे हुकूमत करे। सियासी जमातों ने आज के जदीद दौर में सिर्फ सियासी जमातें मुल्क चला सकती है। रहनुमाओं की पार्टी बन गई, हर आदमी की जेब में पड़ी हुई पार्टी है, किसने टिकट दिया और किसने वापस ले लिया, ये राजा परवेज अशरफ के दस्तखत है। ये जो मोहतरमा क्या इनका नाम है, हिना गुलजार साहिबा, और ये इस पर लिखा हुआ है कि इनको टिकट अलाट किया जाता है, इनको सिंबल दे दिया जाए। किसने दिया और किसने वापस कर लिया वो बताएं, किस इजलास में ये फैसला हुआ था, कौन लोग उसमें शरीक थे, किस तरह ये मुरतब किया गया, किस तरह चश्मे जदन में रात को वापस ले लिया गया। और भाई को खुदा का खौफ करें, ये जमहूरियत नहीं है, ये नामुकम्मल अधूरी जमहूरियत है, और अधूरी जमहूरियत कोई जमहूरियत नहीं होती है। तो ये मेरीन साहिबा, फिर ये वाकई अधूरी जमहूरियत है, और आज आपने आगाज में कहा कि जमहूरियत की फतह हो गई, तो फिर ये कैसी जमहूरियत है? ना ये अधूरी जमहूरियत है, जमहूरियत की फतह हो गई, मैंने बिल्कुल ठीक कहा। आप जितना मर्जी वावेला मचाएं, जितना मर्जी जोर लगाएं, 4 साल गुजारे हैं हमने, इंशाल्लाह 5वां साल गुजारेंगे, सेनेट के इलेक्शन भी हो गए, तमाम मामलात अपने वक्त पे, अपने टाइम पे हो रहे हैं। आपके शोर मचाने से जाहिर है मामला तो तय हो रहे हैं, ठीक है, रोटी है, पानी है, कपड़ा है लोगों के पास, मेरा गला जरा ठीक नहीं है, बिल्कुल आसमा आप जरा मेहरबानी फरमाए, पानी बिजली का मैं बताती हूँ, मैं नहीं, आवाज ठीक जा रही, मैं कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई जोर से बात करूँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आज सेनेट की बात हो रही है, पानी और बिजली, सेनेट से डायरेक्ट पानी बिजली पे आना चाहे वहाँ पे भी आ जाए, मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बिजली की कमी है, क्यों हम गालियां खाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या हम बिजली इसलिए नहीं दे रहे कि हमें गालियां पड़े, नहीं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कदगन है। जहां तक हमारे ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि कोई बोर्ड है, बोर्ड ने टिकट दिया होगा, बोर्ड ने डिसाइड किया होगा, कोई मामला हुआ होगा, जमहूरी है पार्टी, जमहूरियत है अपने मुल्क की पार्टी और अपनी मुल्क की जमहूरियत पे भरोसा करें। मुख्तसर सा सवाल, मेरा मुख्तसर सा सवाल, आपको 4 साल में पार्टी ने कोई 65 करोड़ दिए, जो आज एक दिन में अपोजिशन के एक मेंबर को बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के नाम पे 65 करोड़ रुपया दे दिया गया, आपको मिले क्या 4 साल में 65 करोड़? बात ये है
के डेवलपमेंट फंड्स मेंबरान को मिलते हैं, कुछ को डिले हो जाते हैं, कुछ प्रोसेस में होते हैं, कुछ डायरेक्टिव्स निकल जाते हैं। 65 करोड़ का, देखिए मुस्लिम लीग नवाज के इतने मेंबरान हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने 24 करोड़ रुपया सुई गैस की मद में दिया है। पता नहीं शायद पीपल्स अच्छा, पार्टी को मिला है या नहीं मिला। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जिसने अप्लाई किया, जो फर्स्ट कम फर्स्ट गो है, अगर उनका फंड इतना होगा, मैं नहीं जानती 65 करोड़ मिला है या नहीं मिला, सबको मसावी फंड मिलने चाहिए। और ये वाहिद हुकूमत है जो प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं कह रही मिला या नहीं मिला, आई डोंट नो, या आप नहीं, आप देखें 65 करोड़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो मराहिल में हो, हो सकता है कि किसी मद में अच्छा, हो, मैं उसकी डिटेल बिल्कुल नहीं जानती, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं उस पॉइंट से हम आप इंडोर्स नहीं करेंगे, हम इसी पॉइंट को मजीद आगे बढ़ाएंगे कि 65 करोड़ मेरीन साहिबा को 4 साल में नहीं मिले, बाकी जो मेंबरान है अगर 30 करोड़ या 25 करोड़ उनको दिए गए वो 4 साल की मद में उनको मिले होंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सेनेट के इलेक्शंस में एक दिन पहले, और वो भी अपोजिशन का एक रुकन है, और उसको 65 करोड़ डेवलपमेंट के नाम पर, क्या ये इतने अरसे से रुका हुआ था उसका फंड कि जो इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन से उसको देना ज़रूरी था, इस पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहा जा रहा है कि आज जमहूरियत की फतह है, हारून साहब ने पहले कहा था कि अधूरी जमहूरियत है, तो इसी जमहूरियत में हारून साहब 20th अमेंडमेंट जो है साइन हुई, और सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, लेकिन 65 करोड़ का भी हमने जिक्र कर दिया कि डेवलपमेंट के नाम पर एक दिन पहले ही दिए जाते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि बार बार महरीन और राजा साहब फरमा रही हैं कि मीडिया ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इसके बिल्कुल बरक्स बात है। कुछ लोगों ने कहा होगा, 3 दफा मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, 1 दफा आपके प्रोग्राम में कहा था क्यों कि सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए, ये पीपल्स पार्टी का हक है, ये उसका मैंडेट है, वो इलेक्ट हुई है, वो हुकूमत कर रही है, सेनेट के इलेक्शन उसे मिलने चाहिए, उसके खिलाफ किसी को साजिश नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये कह रहे थे नहीं होने चाहिए, उन पर एतराज होने चाहिए, हम तो चाहते थे कि हों। दूसरी बात यह कि जमहूरियत होती किस लिए है? जमहूरियत इसलिए होती है, हुकूमत का काम यह लोगों को अमन मिले, इंसाफ मिले, टैक्स कलेक्शन हो, ताकि आप गैर मुल्की ताकतों के मोहताज ना हो। इसमें से आप टैक्स कलेक्शन के लिए, बिजली के लिए चलिए मजबूरियां होंगी मान लेते, ऐसी कोई मजबूरियां नहीं थी, 6 महीने में छोटा प्रोजेक्ट कामयाब बन जाता है, चीन की मदद से बन सकते थे, ईरान से 5000 मेगावाट ले सकते थे, और जो लॉस है बिजली ना होने से 4 से 5 बिलियन डॉलर सालाना है, और उसकी बजाय चाहे नोट ही छापने पड़ते हैं, बाद में भी छापे गए ना, किसी ने किसी तरह बिजली का बंदोबस्त हो सकता था, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पैसा नहीं चाहिए। पैसा अगर ज्यादा हो तो अच्छा है, पुलिस की तादाद बढ़ाई जाए, ट्रेनिंग बेहतर बनाई जाए, उसके लिए डीपोलिटिसाइज करना होता है पुलिस को। इसी तरह टैक्स कलेक्शन बेहतर बनाने के लिए रुपया नहीं चाहिए, एक अच्छा चेयरमैन चाहिए, 4 अच्छे मेंबर चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, रिश्वत लोग न ले सकें, वो अच्छी गवर्नेंस ये होती है। जमहूरियत जहां तक तो इलेक्शन का ताल्लुक है बहुत अच्छा हुआ, सेनेट का इलेक्शन हुए बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन सवाल यह है कि जहां जो खामियां हैं उनकी निशानदेही की जानी चाहिए दूर करने के लिए, इसलिए नहीं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना रहे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी तो नून लीग की आ जाएगी, नून लीग की नहीं आएगी तहरीक इंसाफ की आ जाएगी, हम लोग तो हुकूमत में नहीं जाएंगे ना, हमारा कोई ताल्लुक है, हम तो एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये बदगुमानी नहीं होनी चाहिए कि हम जमहूरियत नहीं चाहते, जमहूरियत नहीं होगी तो हमें क्या मिलेगा अखबार नवीसों का फायदा, तो हमारी तो आजादी का ताल्लुक ही जमहूरियत से। तो ये बालादस्ती का जो हम जिक्र करते हैं, ये बालादस्त इदारे है, और क्या ये हमारे उम्मीदवारान जो कैंडिडेट थे ये वर्दी वाले से मुकमका कर लेते हैं, शेरवानी वाले के साथ भी मुकमका कर लेते हैं, मैं वोट और नोट का जिक्र देखिए जी, ये तो अमेरिका से भी मुकमका कर लेते हैं, वर्दी वालों से भी कर लेते हैं, 20वीं तरमीम में आपस में भी कर लिया, 20वीं तरमीम बुनियादी तौर पर एक मुस्बत पेशरफ्त है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इजाफा हुआ है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद के इलेक्शन के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन में और किसी पार्टी से तो मशवरा नहीं किया, बाकी पार्टियों से भी मशवरा करते हैं, अब इलेक्शन कमिश्नर पे इतराजात हैं और उन पर पूरा एतमाद नहीं है, ये शुकूक शुबात दूर होने चाहिए थे। जमहूरियत में पेशरफ्त होती है 2 तरह से, एक अदारे मजबूत और मुस्तहकम होते चले जाएं और एक अवाम के मसाइल कम होते चले जाएं। नजीर नाजी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, सीनियर कॉलमनिस्ट सीनियर सहाफी हैं, आपको डिस्कशन में वेलकम भी कहते हैं। नाजी साहब, आज के इलेक्शंस के बारे में क्या कहते हैं, क्या वाकई पैसा लगा या नहीं लगा, आपका तज्जिया क्या कहता है, नोट लगा वोट के बदले? जी ये खुला बहुत ही खुला लगा और रेट भी अब के बहुत ज्यादा था खासतौर पे बलोचिस्तान में, लेकिन सिंध और पंजाब में ये चीज नहीं हुई, और पख्तूनख्वा में भी कुछ ज्यादा जैसे माजी के तजुर्बात उस तरह का नहीं हुआ वहाँ।
फटा गया तो आपको मालूम है, वो तो रवायत की। ठीक, तो ये जो हमने मेहरीन साहब से सवाल किया था, उन्होंने कहा ये आप लोग कह रहे हैं, मीडिया शोर मचा रहा है कि नोट लगे, कोई इसका सबूत तो नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि कुछ अराकीन को फाटा के थे, उनको घर भी मिले इस्लामाबाद में और पैसे करोड़ों के हिसाब से बांटे गए, डेवलपमेंट फंड का हम जिक्र कर रहे हैं 65 के करीब, सबूत तो होते नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन ये काम हुआ है, ये इलेक्शन साफ शफाफ फेयर था, लोटा करेंसी इसमें हुई या फिर हॉर्स ट्रेडिंग हुई, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये नहीं, ये तो बस एक ही डील हुई है, ये तो वोट की डील हुई है, लोटा करेंसी नहीं हुई, लोटा करेंसी पंजाब में हुई, वोट की डील नोट के जरिए सर। अच्छा, नोटा करेंसी कह रही है, लोटा करेंसी, नोटा करेंसी जी, वो तो खैर बहुत हुई है। ठीक, और बलूचिस्तान का तो यहाँ तक है कि उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं रईसानी साहब, उन्होंने कहा वोट डालने के बाद के बस मुझे तो वोट का एक रुपया भी नहीं मिला। ठीक, तो इसका मतलब है कि नोट जो है मजाक का अंदाजा कर लेना। ठीक जी, नोट जो है इस्तेमाल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नाजी साहब, हमारे साथ लाइन पे थे। मेरीन साहब, सवाल नाजी साहब से मैंने किया कि क्रेडिबल राय हो, ज्यादा क्रेडिबल राय आपके साथ सामने आ जाए, आप जैसे मुझे बार बार कह रही हैं कि आपकी कोशिश थी कि शायद नोट जो है बांटे गए, तो वाकई साफ शफाफ इलेक्शन था, नोट नहीं कहीं चले। आसमा, अब नोट कहाँ से निकाले, अगर नोट कहीं चले हैं तो नहीं चलने चाहिए थे, और ऐसी खबरें दे देना मैं आपको बुरा भला कह दूं और उसके लिए कोई कोई मैं सबूत ना दे सकूं, ये अच्छी बात नहीं है। हुआ है इलेक्शंस में, 60 साल का ये हिस्ट्री रही है, मगर आज अच्छा होने जा रहा है, कोई चीज़ अच्छी भी हुई है। अगर नोट ही चलने थे तो हम अपने असलम गिल को नोट दे के जिता ना लेते, प्लीज हम अपने किसी मेंबर को हारने ना देते। में ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम से कर रहे हैं दो सूबों का, केपीके का कर रही हैं, फाटा के और बड़ी मेहरबानी। जी जी बोलिए। मैं देखिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी जैसे हमारे ऑनरेबल जो हमारे पार्टिसिपेंट है, उन्होंने ये बात बोली है कि ये होनी चाहिए चीजें, लोगों को ठीक जगह राइट मैन ऑन द राइट जॉब बिल्कुल होना चाहिए, जहाँ हमारी गलतियां हम मानते हैं। अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी उसके लिए माजरत खाऊं, मगर मैं ये बात बिल्कुल कहूंगी कि ये बार बार कहा गया, आपके ही चैनल्स पे कहा गया सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा तो आप लोगों ने हाइप क्रिएट की, मगर देखिए बैलेंस नहीं होता है, एकदम ऊपर चले जाते हैं कि ओ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आज हो गए ना इलेक्शन सेनेट के, और अगर कहीं पैसे का लेन देन हुआ है, मैं उसको कंडेम करती हूँ, मैं उसको बुरा समझती हूँ, मगर आज सेनेट जमहूरी दौर के अंदर सेनेट कंप्लीट हुई है, ये बहुत बड़ी बात है आसमा, ये बहुत बड़ी बात है। तमाम चीजें होती रहेंगी, और जहां तक डेवलपमेंट फंड्स की बात है ना, तो आसमा मैं आपको सिर्फ ये बताती चलूं कि डेवलपमेंट फंड्स कोई एमएनए एमपी अपने घर नहीं लेके जाता, वो अपने इलाके में लगाता है, उसकी स्क्रूटनी होती है। हाँ, उस स्क्रूटनी को मजीद टाइट होना चाहिए, ऑन ग्राउंड जाके देखना चाहिए। अगर आप मेरे इलाके में आए, इलेक्शन से इससे आप जरूर इत्तेफाक करेंगे, इलेक्शन से एक दिन पहले फिर ये पैसे नहीं बांटने चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी सारी बातें बजा, पैसे बांटने की बात नहीं है, स्क्रूटनी से बांटने की, डेवलपमेंट फंड भी इलेक्शन से एक दिन पहले 65 करोड़ के नाम पे नहीं देना चाहिए। आप इस चीज को कंडेम नहीं करेंगे? ये तो आधा प्रोग्राम तो खुद ही बोलती रहती है, मैं कह रही हूँ डायरेक्टिव्स हो जाते हैं, उनको देर सवेर हो जाती है। हाँ, ये बात देखनी चाहिए कि क्या इलेक्शन के बिल्कुल उसी दिन वो होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मैं बताऊं कि ये फंड्स कहाँ लेके जाते हैं मैंने एमपीएस या सेनेटर्स, ये तो अपने हलकों में अपने इलाकों में लगाते हैं, बिजली के लिए, पानी के लिए, गैस के लिए। और मैं समझती हूँ ये कभी भी आए, इनको आना चाहिए। और अगर फंड की बात होती तो हमारे मेंबरान हारते ना, हम तो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, ये फंड से लोग नहीं जीतते होते, ये जीतते हैं कमिटमेंट से, या अगर जीत या हार है। आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में बैठी हुई है आसमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, तो फिर हमारा कोई मेंबर हारता ही ना। तो इस तरह की बातें करना मैं समझती हूँ कि एक हद तक मुनासिब है, मगर बहुत ज्यादा जो है वो मुनासिब नहीं। हाँ, मैं अपनी जो बात है आसमा, जो ऑनरेबल हारून साहब ने एक बात कही कि मुल्क की तकदीर का फैसला, हाँ वाकई तकदीर का फैसला नहीं, ये शायद कोई मैंने जो लफ्ज का शायद पसंद नहीं आया, एक फैसला होता है, कोई पॉलिसीज बनती हैं जिससे फिर जो हमारा मुल्क है उस पे असरात होते हैं, वो बहुत बहुत शुक्रिया मेरीन अनवर राजे साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। हारून साहब, मेरे पास वक्त कम है, मुख्तसरन दो सवालों को मुझे जवाब चाहिए। मोहसिन लगारी कैसे जीते, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मोहसिन लगारी साहब इसहाक खाकवानी साहब का आइडिया था, मुझे ये बात बहुत दिन पहले से मालूम थी। अच्छा। का दो बड़ी पार्टियों में उनकी राय के मुताबिक मुकमुका हो गया जो नहीं होने चाहिए,
और बहुत से अरकान नाराज थे। मेरी मालूमात के मुताबिक इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, ना मोहसिन लगारी ऐसे आदमी हैं जो किसी को पैसा दे, जहां तक मुझे मालूम है। बाकी मीडिया के लोग तहकीक कर रहे हैं, क्या करेंगे वो, आजाद रहेंगे कहां जाएंगे? मेरा ख्याल है कि तरीके इंसाफ, मेरा ख्याल है कि वो आजाद रहेंगे, वो तरीके इंसाफ में भी जा सकते हैं। ये फैसला अब उन्होंने करना, उनसे रब्ता हो तो पूछेंगे। उसमें नून लीग के लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं, काफ लीग के लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं, और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी उन्हें वोट दिए। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अरकान असेंबली का कोई ताल्लुक डेवलपमेंट प्लान्स के साथ नहीं होना चाहिए, न कहीं दुनिया में होता है। ये काम है मुतलका महकमों का। ये जो बिदत जियाउलहक के जमाने में शुरू हुई थी कि अरकान असेंबली को पैसे दिए जाएं, फिर अरकान असेंबली में ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी के ठेकेदार मुंतखब करते हैं, उससे पैसे खाते हैं। सबको मालूम है कि जो सड़क 10 करोड़ में बनती है उस पर ज्यादा से ज्यादा 6-7 करोड़ रुपया लगता है, किसी की और बलोचिस्तान में तो अगर 20% भी लग जाए तो उसको गनीमत समझा जाता है। और बलोचिस्तान में इस पर एक गैर जानबदार शहरियों की कमेटी बना ली जाए और पिछले 5 साल के या 20 साल के जब के चाहे जायजा ले लें, सड़कों पे पैसा ज्यादा लगा है, उससे बहुत कम लगा है जितना एलोकेट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, इसके साथ ही हमें इन सेशन से इजाजत दीजिएगा। सेनेट के इलेक्शंस का हमने जिक्र किया, वोट के साथ नोट भी जोरों शिद्दत से लगा, डेवलपमेंट फंड के नाम पे लगा या वैसे घरों की सूरत में लगा, इसके साथ ही इन सेशन से हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। फेसबुक पे आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।